Good morning, class. This is our new Anna Physio class in which today we will study about the next topic of female reproductive system, a very important topic of reproductive system, that is reproductive cycle or menstrual cycle. देखिए एक्चुअली जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एक कोऑर्डिनेटेड साइकिल होती है जिसमें स्टिम्यूलेटरी और चेंजेस आ रहे होते हैं दैट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ अ मैच्योर ओसाइट. इस स्टिम्यूलेटरी चेंजेस की वजह से एक मैच्योर ओसाइट रिलीज होता है हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ प्रीमोर्डियल ओसाइट से. मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक कोऑर्डिनेटेड साइक्लिक चेंजेस चल रहे होते हैं, इन स्टिम्युलेटरी रिस्पॉन्स चल रहा होता है जिसके तहत प्राइमोर्डियल ओसाइट से थाउजेंड्स ऑफ प्राइमोर्डियल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्राइमोर्डियल ओसाइट से एक मैच्योर ओसाइट का रिलीज होता है. ये थोड़े से ओवरलैप आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं पर कोई बात नहीं, मैं जो बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा. और ये कंट्रीब्यूट करता है रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग, अब ये हमारे अंदर जब ये जो प्रोसेस चल रहा है किसी पर्सन में, किसी फीमेल के अंदर जब आप ये प्रोसेस देख रहे हो तो इसका रेगुलेशन जो है इस प्रोसेस का, उसमें हार्मोन पैराक्राइन ऑटोक्राइन फैक्टर्स जो है वो देखे गए हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं पूरे प्रोसेस को. रिप्रोडक्टिव साइकिल, हर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी और एंडोमेट्रियम के बीच में. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी और एंडोमेट्रियम के बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होता है, मतलब ये चारों चीज़ें इंटरैक्ट करके इस प्रोसेस को जो है वो आगे चलाती है. रिप्रोडक्टिव साइकिल एक नॉर्मल साइकिल है जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और एंड होती है नेक्स्ट मेंसेस के फर्स्ट डे से पहले. जैसे एंड होती है उसके बाद नेक्स्ट मेंसेस स्टार्ट हो जाता है. इसकी एवरेज लेंथ होती है 28 डेज. अब ये 28 डेज में प्लस माइनस 2 डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो पूरी तरह से नॉर्मल है, पर 5 दिन 7 दिन भी ऊपर नीचे होते हैं तो वो लगभग नॉर्मल ही माना जाता है. इस मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुएशन के तीन फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज. फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज. सबसे पहले देखिए मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ साइकिल को देखिए, बड़ी अच्छी साइकिल बताई गई है. मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टू 7 डेज यूट्रस की लाइनिंग जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. 8 से 11वें दिन ये जो लाइनिंग है वॉर्म की वो थिकन हो जाती है और एग के लिए प्रिपेयर हो जाती है. 12-17 दिन के बीच में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जो एक दिन 14वें दिन एग्जैक्ट 14वें दिन ये ओव्यूलेशन चलता है. फिर 18-25 दिन फर्टिलाइजेशन के लिए होते हैं और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम वापस से बन जाती है क्योंकि वो ओव्यूलेशन तो हो गया था तो उसे कॉर्पस ल्यूटियम जो वो दूर चली जाएगी, येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी और 26-28 दिन जो यूट्राइन लाइनिंग है वो डिटैच्ड हो जाएगी और वापस नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा. अब हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी एक्सेस देखिए भाई. थर्ड वेंट्रिकल गोनाडोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन न्यूरोपेप्टाइडेज है. ये मैमिलरी बॉडी और ऑप्टिक काइज़मा दिखाया गया है. ये मीडियन एमिनेंस है. पार्स ट्यूबरेलिस हाइपोफिशियल आर्टरी हाइपोफिशियल पोर्टल वेन दिखाई गई हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रही है. पार्स नर्वोसा जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस के पार्स नर्वोसा दिखाई गई है और यह एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट दिखाया गया है जिसको रेगुलेट कर रहा है. अब हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है, गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH से. ये डेकापेप्टाइड होता है जो कि प्राइमरीली आर्क्वेट न्यूक्लियस में बनता है. काफ़ी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी, 2-4 मिनट तक. ये LH और FSH दोनों को बनाता भी है और रिलीज भी करता है. इनको अपन LHRH और LHRF या LRF भी कहते हैं.
गोनोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो FSH SLH LH दोनों के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जो कि बाद में गोनोट्रॉप्स में स्टोर्ड हो जाते हैं। फिर ये एक्टिवेट होकर के ट्रांसफॉर्म होते हैं ये मॉलिक्यूल्स रिलीजिबल फॉर्म के अंदर। स्टोर तो हो गए, फिर ये रिलीजिबल फॉर्म में एक्टिवेट होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। फिर GnRH जो है वो इसके अलावा इमीडिएट रिलीज करवाता है इन LH FSH का सर्कुलेशन में। अब GnRH जो है वो सीक्रेट होता है पल्सेटाइल फैशन में पूरे मेंस्ट्रुअल के दौरान, मेंस्ट्रुअल जो पूरा प्रोसेस के दौरान ये GnRH पल्सेटाइल के फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है। ये पल्सेटाइल वे में भी और कंटिन्यूस वे में भी रिलीज हो सकता है। यहाँ पे अब ये फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज दिखाई गई है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और बीच में ओव्यूलेशन चल रहा है इन दोनों फेजेस के बीच में। ये लोअर एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, हायर एम्पलीट्यूड और लेस फ्रीक्वेंट है। GnRH पल्सेस देखिए, GnRH के कई सारी मैकेनिज्म है जो इस GnRH के सीक्रीशन को कंट्रोल करती है, जैसे एस्ट्राडायोल अपीयर्स टू एनहांस, बढ़ने लग जाता है एस्ट्राडायोल। कैटाकोलामाइंस जो हैं वो भी मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं इसमें रेगुलेशन में। नॉरएपिनेफ्रिन भी स्टिम्युलेट करता है इसको। गोनोट्रोपिन में खुद में इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, डोपामाइन जो है डायरेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, सीरोटोनिन भी इनहिबिट करने के लिए वहाँ पर अपीयर होता है, और एंडोजिनस ओपियोइड भी सप्रेस हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखिए भाई, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होकर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, और फिर ये पिट्यूटरी जो है वो ओवरी यूट्रस वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर एक्ट करती है, क्योंकि पिट्यूटरी क्या रिलीज़ कर रही है, LHFSH को रिलीज़ करती है और वो ओवरी वगैरह पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं। फिर ओवरी पे जब लो P4 या हाई P4 हो रहा होता है, लो P4 तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पर हाई P4 जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है पिट्यूटरी पर और हाइपोथैलेमस पर भी। इसके अलावा लो E2 पिट्यूटरी पर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है, हाई E2 हाइपोथैलेमस के लिए स्टिम्युलेटरी इफेक्ट दिखा रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड लो लेवल जो एस्ट्रोजन का है वो इनहिबिटरी इफेक्ट दिखा रहा है LH प्रोडक्शन पर, यानी नेगेटिव फीडबैक का काम कर रहा होता है। अभी जो इस पिक्चर में अपन देख रहे थे, यहाँ पर अपन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, जबकि एस्ट्रोजन का हाई लेवल जो है LH का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यानी ये पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। लो लेवल प्रोजेस्टेरोन का जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दिखा रहा है, जबकि हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन का ल्यूटियल फेज में जो दिखाई दे रहा होता है इनहिबिट पिट्यूटरी LH एंड FSH प्रोडक्शन। हाई लेवल प्रोजेस्टेरोन LH FSH प्रोडक्शन को रोक देता है पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिन और एक्टिविन, ये दोनों पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं जो कि ओवरीज में ग्रैन्युलोसा सेल के द्वारा रिलीज प्रोड्यूस होते हैं। इनहिबिन पिट्यूटरी FSH सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, और एक्टिविन FSH को स्टिम्युलेट करता है। ये ओवरी देखिए, जिसमें ये कॉर्पस एल्बिकन कॉर्पस ल्यूटियम दिखाए गए हैं, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है, फिर ये प्राइमोडियल ऊपर से देखना स्टार्ट करें, प्राइमोडियल फॉलिकल्स डेवलप होकर के डेवलपिंग फॉलिकल्स बनाते हैं, एंड्रम बनाते हैं। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, उसके थीका सेल्स और फॉलिकुलर फ्लूड उसके अंदर भरा हुआ है। ये ग्रैन्युलोसा सेल है, उसके चारों तरफ दिखाई गई है। ये कॉर्पस क्यूमुलस ऊफोरस है, जिसमें से प्राइमरी ऊसाइट रिलीज होता है और ओव्यूलेशन से बाहर निकल जाएगा, और बाहर की जो कवरिंग है वो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी। फिर कॉर्पस ल्यूटियम पूरा अच्छे से बन जाएगा, और फिर उससे कॉर्पस एल्बिगम बन जाता है। ये ओवरी में चेंजेस दिखाए गए हैं। सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो कन्फाइंड रहता है ग्राफियन फॉलिकल में, और मेटाफेज सेकेंड में ये अरेस्ट हो जाता है। डायग्राम को बड़ा करके देख लेते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल, ये ऊसाइट और स्ट्रोमल सेल्स दिखाई गई हैं, फॉलिकुलर सेल्स दिखाई गई हैं। यूनी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल्स देखिए, जिसमें बेसर लैमिना है और जोना पैलिसिडा यहाँ पर बनी है। मल्टी लैमिनर प्राइमरी फॉलिकल्स में जोना पैलिसिडा अच्छे से डेवलप हो गई है, ग्रैन्युलोसा सेल डेवलप हो गई हैं बहुत बढ़िया से, और ये थीका इंटरना सेल्स हैं। ये एंट्रल फॉलिकल में एंट्रम बन जाती है, बीच में कैविटी जो आपको दिखाई दे रही है ये थीका इंटरना है, और उसके बाहर थीका एक्सटर्ना, और बीच में ये अच्छे से डेवलप हुई ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में देखिए, बाहर थीका एक्सटर्ना, अंदर थीका इंटरना, उसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर एंट्रम, फिर ये कोरियोना रेडिएटा, और ये क्यूमुलस ऊफोरस। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स की एम्ब्रियोलॉजी देखिए, खूब सारे ऊसाइट जो है वो मैक्सिमल होते हैं,
फीटल स्टेज में लगभग 6 से 7 मिलियन हर 20 वो जो 20वें हफ्ते गेस्टेशन 20वें हफ्ते में 6 से 7 मिलियन तक ये ओसाइट्स बन जाते हैं। एट्रेशिया ये फिजियोलॉजिक लॉस है ऊगोनिया का, एट्रेशिया ऑफ ऊगोनिया जो कि बर्थ के दौरान दिखाई देता है, उस वक्त केवल 1 से 2 मिलियन ही ओसाइट्स रह जाते हुए बाकी तो लॉस हो गया यानी एट्रेशिया हो गया। प्यूबर्टी के दौरान ऑनगोइंग एट्रेशिया चल रहा होता है, उस वक्त केवल 3 लाख से 4 लाख ओसाइट्स ही बच जाते हैं जो कि ओव्यूलेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, और उनमें से भी केवल 400-500 ही एक्चुअली ओव्यूलेट हो पाते हैं, मतलब उन्हीं से ही केवल 400-500 से ही ओवम जो है वो बन पाता है। तो ये ओवेरियन फॉलिकल की एम्ब्रियोलॉजी है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला रिमेनिंग पोर्शन अपनी अगली क्लास में पढ़ें।